लेकर घर जाइए। आज इनाम मिलने वाला है, दिल खुश होने वाला है खिलाड़ियों का। कहीं ना कहीं इस मुकाबले खिलाड़ी कर रहे हैं। सफर देखते तो आज रंगत अलग होता, माहौल अलग होता शमशाबाद वालों का। मैं राय ऐलान के जरिए बता दूँ, आने वाली 9 तारीख को शमशाबाद में भी 14 टीमों का शानदार टूर्नामेंट करवाया गया है। इसमें जीतने वाली टीम की कप्तान को ट्रॉफी और हारने वाली टीम की कप्तान को भी ट्रॉफी दी जाएगी। तमाम खिलाड़ियों को डीएफए से नवाजा जाएगा और उसके मिलने वाला है। गारंटी है कि मुकाबला इसी में खत्म होगा। कहां गई है, बाहर गई है लड़ाई बल्ला लड़ा कहा। श्री बहुत बहुत शुक्रिया, इरादा दिखाया है डॉक्टर देशम बाबू ने। पता चलेगा इनाम जीतने वाली टीम को, आपको पता चलेगा इनाम आया है स्वामी पेटर को। बहुत बहुत शुक्रिया उनका, जिन्होंने कई मोहब्बतें दिखाई है। यहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि दुनिया क्रिकेट में चाहे वॉलीबॉल हो या फिर कबड्डी हो, हमारी लड़ाई क्या रखे एक है। जी हाँ, एक मिनट, खाता मिला है यहाँ पे नसीर मीर का। हिंदुस्तान का वो शहजादा जो अभी गेंद को शो कर रहा है, तमाम भक्ति कला वालों के सामने अभी गेंद को शो कर रहा है। पूरे हिंदुस्तान में इस नाम अरहम नाम का मेलमाला नजर आता है। बाहर चार रनों के लिए महादेव बनकर नजर नहीं आ रहा है थे। फिर अब क्या कुछ होने वाला है, सामने राधे है, दो ओवर का है मुकाबला। अरहम की है और चौका बटोरा इस बल्लेबाज ने राधे एंड कंपनी। इस बार में कही ये बाहर छठी गुरु में यासिर मौजूद है, वहाँ पर गलती नहीं की। लगा बैठी है जिनके ट्रॉफी और मीना साई स्कोर 13 रन है। दो ओवर का है मुकाबला, फाइनल मुकाबला। दोनों टीमों को बिल्कुल सेम सेम इनाम नजर आ रहा है, सिर्फ ट्रॉफी छोटी बड़ी नजर आ रही है, साइकिल अलग अलग रंग की नजर आ रही है। ये भी देखा जाएगा कौन जो हमारी किसको दी जाती है। नहीं कर पाए नुकसान पर हमारे इस तरह के गेंदबाजी करने के लिए। और क्या इस मुकाबले में आपकी गेंदबाजी का हुनर देखा जाएगा, जिसकी वजह से गाड़ा जाना जाता है। और सुनवाना का टूर्नामेंट जो मुझे याद दिला रहा है, ये जाबाज करिंदा जहाँ पर मैदान प्रतिदिन मैदान के बाद जब मौका मैदान जब है हर दुनिया का हर फार्मेट का इनाम जीता था और जिंदगी में पहली बार। वही आप यही कह रहे थे अब शायद अल्लाह का करम होगा तभी ऐसा माहौल होगा, वरना उम्मीद नहीं है इनसे। मैं राज्य आपको समझा वाइट बॉल का इशारा दे रहा है, इनका ये जरूर बता रहा है। जरूर सर चढ़कर बोल रहा है आप ही तो आगे खूबी है जितने माहौल के साथ अपनी ईश्वर जमीन पर अपने नाम का तोहफा उभारता हुआ नजर आ रहा है। इसी सहारा इस बार अच्छी गेंद वहां पर रन आउट का मौका। दोनों खिलाड़ी तराजू के पल्ले पर कोशिश कर रहे थे और उधर से दूसरे पल्ले का कई किसी का दिया है मिस्टर अरहम ने और झटका दिया है नसीर का। श्री नसीरपुर और इस्लामी अगलबंदी कला के दरमियान ये मुकाबला चलता हुआ नजर आ रहा है। लबी शाह है बल्लेबाजी करने के लिए और इस अरे बाबा रे बाबा,
बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। और नसीर मेमोरियल हॉस्पिटल गुलवा नसीरपुर का ठीक है मारे श्री और इस बार खेला है इलाका बिल्कुल खाली था खाली बारी बीती खेला था स्टार्ट जो है अच्छा काम कर लिया था बल्लेबाज मोहम्मद अरकम ने शरीर बाजी से किनारा लिया गुजारा दिया मेजर अब्दुल्ला 17 नंबर जर्सी ने क्या हुनर दिखाया है वक्त दिखाया था कैरन है बड़ा लंबा ओवर चलता हुआ हाथी काल गेंदबाज सामने की तरफ खेला वहीं से बदन से टकराई गेंद भक्ती रह गई ओवर का फासला ओवर के बाद होगा है टारगेट और ये फाइनल का मुकाबला आगे का दो ओवर अगली टीम की कहानी साकी नमानी की जबानी पीस बनाया है 31 रनों का टारगेट दिया है यहाँ पे नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मुकेरीगंज है और अब इस्लामिया तरफ पंजीकरण के इस्लामी बल्लेबाज मिस्टर मोहम्मद अरहम जिन्हें दुनिया या जवान का प्रिंस कहा जाता है शहजादा कहा जाता है और एक तरफ है ओसामा और वहीं से बॉलिंग मार्ग पर एक ऐसा ऑलराउंडर खिलाड़ी जिसने अपने खेल के जरिए बहुत दूर तक नाम कमाया मोहम्मद अरकम और इस तरह से कार्पेट का सहारा लेती गेंद चली गई सालिक के दस्तानों पर लेकिन शाह ने डिफेंड किया एक रन ओसामा स्ट्राइक पर और इस तरह से इस मरतबा कमर पर अटैक किया कमर राही शॉट लगाया इस तरह मोहम्मद ओसामा ने इसकी ओर जा पहुंचा 5 रन मतलब आप इसे घूम कर खेला वाह ओसामा ब्यूटीफुल अटैक मिस्टर मोहम्मद ओसामा ये रास्ता भी कठिन धूप में शीतल भी बहुत थी साए थे मगर उसको मोहब्बत भी बहुत थी वाइट का इशारा आया और इस तरह से फिर कार्यक्रम की इस मतलब आप फिर से वाइट लगातार बैक टू बैक जो वाइट इसके और 11 रन अगली ये तैयार मोहम्मद ओसामा फिर से मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों ने जब तक एक रन मुकम्मल कर लिया फिर यहाँ पे इसी तरह से तालिक ने फील किया बल्लेबाजों ने दौड़ कर अपना एक रन मुकम्मल कर लिया स्कोर 13 रन 31 की जीत है और यहां पर फिर भी कोई गलती देखी गई यार हम की और यहां पे आउट कर बैठे वाइट का इशारा आया फिर अब जा रहा है दुबला पतला शरीर माधव दुनिया जिसे माधव के नाम से जानती है वाइट का इशारा इस तौर बनता हुआ 15 रन अगर किसी के पास ऑटो रिक्शा का कोई नंबर है बंदी जमा कोई ऑटो रिक्शा चलाता है अगर नंबर है तो आराम से मिलने बड़ा इमरजेंसी काम आया है फिर यहाँ पर व्हाट अ शॉट एक्सलेंट पास एंड हियर भाई मिस्टर माधव जितनी भी तारीफ करें खिलाड़ी की कम यकीन है
आज इनका जादू सर करके बोल रहा हूँ खालिद भाई की बड़ी गहरी मोहब्बत है। वाइट का इशारा आया इसको और जा पहुंचा पीछे तरह चार गेम 11 रन क्या होगा इस मुकाबले का परिणाम क्या होगा नतीजा क्या होगा सफल कौन होगा। अरे वाह इस मरतबा फिर से नाकाम रहे अच्छी गेंदबाजी सुंदर गेंदबाजी और ये माधव लगीश बाबा जब तक फील्ड करते बल्लेबाज हो तब तक छोड़ बदला 21 रन। यहाँ पे आफी को अपने ऊपर खासा भरोसा था बहरहाल इस मुकाबले में बड़ी आसानी के साथ नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में